हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो? ये हो रहा है शाम का टाइम, मैं बैठी हूँ देखो किचन में आप सभी के लिए व्लॉग बनाने आई हूँ। तो गाइस, मैंने ना बीच में थोड़ा बड़ी वीडियो बनाना बंद कर दिया था, कोई प्रॉब्लम थी, तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ बड़ी वीडियो बनाना। डेली ब्लॉग अपलोड करूंगी, जैसे आप सब लोग मुझे शॉर्ट्स वीडियो पर सपोर्ट करते हो वैसी बड़ी वीडियो पर करो, भर भर के पार्टी। जैसे शॉर्ट्स पर करते हो भर भर के पार्टी, ऐसे ही मुझे आप लॉन्ग वीडियो पर भी करो, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर करो, वीडियो को देखो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग जा कर के। और अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ लॉन्ग वीडियो बनाना, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरे को बंद करनी पड़ी थी लॉन्ग वीडियो बनाना, तो अब दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। डेली ब्लॉग आएंगे अब आपके लिए। ब्लॉग में बस मेरा वही रहता है घर का, डेली का घर का काम, जो अपने घर के लोग दिन भर क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ अपना रहन सहन सारी चीज़ दिखाऊंगी उसमें ब्लॉग में। तो चलो करते हैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। किचन में बैठ के बात कर रही हूँ आप सभी से, चैनल को लेके नहीं कि शॉर्ट्स वीडियो पर भी काम करो, लॉन्ग पर भी करो, दोनों पर करो। ये नहीं शॉर्ट्स पे किया तो लॉन्ग छोड़ दिया, लॉन्ग पर किया तो शॉर्ट्स छोड़ दिया, दोनों पर करूँगी काम में। और आप ढेर सारा प्यार दो चैनल को, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो को देखो, थैंक यू। तो गाइस, यहाँ से हो गई हमारे ब्लॉग की स्टार्ट। ये है दूसरे दिन का वीडियो मॉर्निंग का। तो यहाँ बना रही हूँ मैं पास्ता, आज सबकी पास्ता खाने की फरमाइश हो रही थी, खासकर मेरी, मेरा मन था पास्ता बनाने का। तो वैसे तो हम सुबह खाने में जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं तो सीधा खाना ही खाते हैं, आज मैंने पास्ता बना लिया। खाना अभी बाद में बनाऊंगी, अभी बना नहीं है खाना। तो यहाँ पे मैंने भगोने में पानी रख दिया गर्म होने के लिए, पास्ते के लिए थोड़ा गुनगुना कर लूँगी, फिर पास्ता डालूँगी इसमें। तो देखो, मेरे पास नींबू नहीं था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, आप कुछ भी डाल लो, घी, नींबू वगैरह, ताकि ये जैसे पास्ता चिपके नहीं, अलग अलग रहें, एक दूसरे से चिपके नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने इसमें भगोने में। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी उबलने के लिए, 10 मिनट में उबल के रेडी हो जाएंगे ये, 10 मिनट में उबल जाते हैं। तब तक पास्ता उबल के तैयार होगा, तब तक मैं घर का कोई और काम कर लूँगी, झाड़ू वगैरह। सुबह का वीडियो है तो सुबह तो घर में बहुत सारे काम निकलते हैं, सुबह झाड़ू पोछे, कपड़े रहते, आटा वाटा, बहुत सारे सब्जी वगैरह के काम निकलते हैं सुबह तो घर में। तो ये मैंने थोड़ा हिला के रख दिया ताकि इसमें थोड़ा मिक्स हो जाए तेल वगैरह पास्ते में। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी उबलने के लिए और मैं बाकी का काम कर लूँगी तब तक घर का। और ये देखो, मैंने बीच में हिलाने आई थी, इसको एक बार हिला दूं ताकि ये तले में लगे नहीं नीचे। पर ये देखो, हमारे पास्ते उबल के हो गए तैयार। अब इनको मैं निकाल लूँगी एक अलग बर्तन में, ये मैं इनको थोड़ा दबा के देख रही थी हुए या नहीं हुए, कोई कसर वसर तो नहीं रह गई है। और साइड में देखो, मेरा दूध हो रहा है गर्म गैस पर, ये बन के तैयार हो गए। अब इनको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, निकाल लूँगी, मतलब यहाँ से पानी से अलग कर दूंगी। यहाँ ऑयल हो गया गरम, यहाँ थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी इसमें भूनने के लिए, जीरे में भूजूंगी, जीरा लहसुन, लहसुन तो नहीं है सॉरी, टमाटर प्याज, इनमें ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी भूनने के लिए, सिंपल ही रखूँगी क्योंकि घर में ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं खाते किट्टू की वजह से। और थोड़ा सा प्याज को ना कम ही भूनूंगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी प्याज को, थोड़े से ब्राउन होंगे तभी टमाटर डाल दूँगी, थोड़े कच्चे कच्चे टाइप के खाते हैं हमारे घर में पोहे चावल वगैरह, इनमें सब पास्ते में थोड़े प्याज को दांतों के नीचे कच्चे कच्चे करते हैं, वही ऐसे वाले खाते हैं सब लोग। और ये भी नमक डाल दिया प्याजों में थोड़ा सा, ये टमाटर गए भुनने के लिए। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन हल्दी, नमक, मिर्च सारी चीज़ डाल देंगे, मसाले जो जैसे खाते हैं हम,
कोई कम खाता कोई ज़्यादा खाता है। हम किट्टू की वजह से थोड़ा तीखा खाना कम खाते हैं, गरम मसाला डाल दिया। मसाला भुन गया है हमारा। अब इसमें पास्ते डाल के उनको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखो कितने खिले खिले बने हैं। ये हो गया हमारा पास्ता बनके रेडी, खाने के लिए तैयार है। आ जाओ आप सब लोग खाने के लिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दाल अब खाना बनाना बाकी है तो दाल चढ़ा दूंगी कुकर में, दाल बन लेगी तब तक हम नाश्ता कर लेंगे सब लोग, दाल बनती रहेगी। आ जाओ आप सब लोग खाने के लिए। मैं जा रही हूँ किट्टू के पापा को देने, किट्टू और किट्टू के पापा रूम में अंदर उनको देने के लिए जा रही हूँ, सब लोग खा लेंगे साथ में। और यहीं तक का था अपना ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर।